उसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तो आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। क्या रवीना है फिर से दिलवाले का पार्ट? क्या गेरुआ 2 होगा रिलीज? क्या हुई रवीना और काजोल के बीच झड़प? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अजय देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे हैं जो कि कंट्रोवर्सीज में भी एक बंद किताब हैं। इनके बारे में अगर कंट्रोवर्सी सुनने में आती भी हैं तो वो इनकी प्रोफेशनल लाइफ से ही रिलेट होती है और इनकी पर्सनल लाइफ कभी इतनी सुर्खियों में नहीं होती। हालांकि अजय देवगन का फैन बेस भारत में काफ़ी बड़ा है और वो अपनी आने वाली फिल्म से अपने फैन बेस को और बढ़ाने की कोशिश में भी हैं। उनकी फिल्म की गिनती में कई बड़ी फिल्में अभी कतार में हैं, जिसमें से रनवे 34 और सिंगम 3 है। आपको बता दें कि अजय अपनी फिल्म रनवे 34 में अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं कि अजय की एक और फिल्म जिसकी मेकिंग की खबरों के बाद ये काफ़ी चर्चाओं में है। जी हाँ, जो कि इनकी 1994 में आई फिल्म दिलवाले, जिसका अब रीमेक बनने जा रहा है। खबरों की माने तो इस फिल्म की रीमेक की स्क्रिप्ट पे काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कास्ट को भी फाइनल कर लिया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन के मेन लीड में होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर बात करें फिल्म में फीमेल लीड की, तो इस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिलवाले के पहले पार्ट में हमें रवीना और अजय की जोड़ी देखने को मिली, लेकिन इसके सीक्वल के लिए मेकर्स काजोल को कंसीडर कर रहे हैं। दोनों की ही आंखें इस फिल्म पर पूरी तरह से हैं। जी हाँ, और खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि इस फिल्म के चलते ही रवीना और काजोल में झड़प भी हो गई थी। अब फिल्म दोनों में से किसके हाथ आती है वो तो मेकर्स के ही हाथ में है। लेकिन और दिलचस्प और एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है, जो कि है इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर। हालांकि इस न्यूज़ के बाद फैंस ये अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि काजोल ही फिल्म की मेन लीड होने वाली है, क्योंकि फिल्म में हो सकता है शाहरुख की फिल्म का सॉन्ग गेरुआ का 2.0 वर्जन, जिसमें कि शाहरुख और काजोल की जगह अब दिख सकते हैं अजय और काजोल रोमांस करते हुए। फिलहाल दिलचस्प देखने वाली बात और होगी कि अगर फिल्म में रवीना की एंट्री होती है तो घेरुआ में दर्शक रवीना को भी काजोल जितना ही प्यार देंगे। हालांकि इतनी कंफ्यूजन और अटकलों के बीच ये कह पाना मुश्किल है कि काजोल और रवीना में से कौन पार्ट होगा इस फिल्म का। सबसे दिलचस्प बात होगी तो वो होगी दर्शकों का पुरानी जोड़ियों पर रिएक्शन, क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या क्या वो दिलवाले में रवीना को रिप्लेस करता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग मूवीज़ के बारे में जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को। धन्यवाद।